तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक अच्छी खबर निकल कर रही है फ्रेंड्स। एक खबर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो बच्चे हरियाणा स्टेट बोर्ड से डिप्लोमा, डी फार्मेसी, डी फार्मा कर रहे हो तब, या कोई बच्चे MDU यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन का पढ़ाई कर रहे हो तो फ्रेंड्स उनके लिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होने वाला है मार्च एंड फरवरी और मार्च मंथ में, फ्रेंड्स उनका एग्जामिनेशन मोड में बोल रहा हूँ 100% चेंज होगा। तो फ्रेंड्स ये नोटिस NSUI के टीम की तरफ से निकल कर आया फ्रेंड्स। जो प्रेसिडेंट है दिव्यांशु भैया, फ्रेंड्स उन्होंने आज ही इस नोटिस को पब्लिश किया है। और फ्रेंड्स इस नोटिस में क्या कुछ है मैं सारा कुछ आपको इस नोटिस में डिस्कस करूंगा। एंड फ्रेंड्स आपका जो एग्जामिनेशन है 100% मैं बोल सकता हूं कि अब आपका ऑनलाइन मोड में होने का चांसेस और बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन में दोस्तों दबा देना एंड वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये नोटिस जो आपके प्रेसिडेंट है हरियाणा के NSUI के टीम के तरफ से, फ्रेंड्स उन्होंने इस नोटिस को निकाला है। जो दिव्यांशु सर है वो है प्रेसिडेंट NSUI के। तो फ्रेंड्स इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है फ्रेंड्स, लिख रखा है जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है और जो HSBT यूनिवर्सिटी है जो टेक्निकल कोर्स करवाती है और MDU जो अपना हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, जो उनका पेपर फरवरी मार्च में होने वाला था ऑफलाइन मोड में, फ्रेंड्स उनको अब जो उनका वाइस चांसलर और डायरेक्टर सर है उनको मोड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे NSUI के डायरेक्टर सर है इस नोटिस को दोनों को डायरेक्टर सर को फॉरवर्ड कर दिए हैं मेल के तरफ से। जैसे कि मेरे कॉलेज में कुछ HOD और कुछ सर से बात हुआ था फ्रेंड्स, उनको कॉलेज में भेज दिया गया है। जो मेरे दिव्यांशु सर है उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ही इस दोनों नोटिस को जो HSBT के डायरेक्टर सर है उनको और जो MDU के वाइस चांसलर है उनको भेजा है फ्रेंड्स। और जो बच्चे आज और अभी तक जो आंदोलन पे गए हैं पंचकुला में और कुछ बच्चे MDU में भी गए हैं अपना एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड करवाने के लिए, फ्रेंड्स सबसे पहले उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूं। और जो मेरे दिव्यांशु सर है उनको भी थैंक्स। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपका जो सॉल्यूशन है आज या कल तक आपका निकल कर आएगा और फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो बच्चे आज गए थे आंदोलन पे फ्रेंड्स उनको सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूं। और जो मेरे NSUI की टीम है उनको भी थैंक्स और दिव्यांशु सर को भी थैंक्स। और ये जो लेटर है उनको फॉरवर्ड भी कर दिया गया था और बहुत सारे कॉलेज के से इन्फॉर्मेशन भी आया है कि कुछ कॉलेज बोल रहा है कि मैं ब्लेंडेड मोड में लूँगा, कुछ बोल रहा है कि भी ऑनलाइन ही लूँगा, कुछ बोल रहा है कॉलेज कि ऑफलाइन लूँगा। तो फ्रेंड्स ये सारा चक्कर अब खत्म होगा आपका आज ये नाइट में या कल या दो दिन के अंदर अंदर ही आपका 100% ही एग्जामिनेशन मोड क्लियर होगा और ऑनलाइन ही पेपर होगा फ्रेंड्स। जैसे कि इस नोटिस को भी पब्लिश कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेज में अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कॉलेजेज में फ्रेंड्स अभी लैब नहीं हुए हैं, बहुत कॉलेजों में फ्रेंड्स अभी कोई अभी प्रोजेक्ट का जो वर्क होता है फाइनल ईयर में फ्रेंड्स वो भी नहीं करवाया गया प्लीज़। तो उनको देखते हुए जो मेरे दिव्यांशु सर हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कॉलेज वालों को और जो MDU के और HSBT के डायरेक्टर सर को उनको मना कर दिया, उसको मेल भी फॉरवर्ड कर दिया गया इस नोटिस को फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर कल आपका रिजल्ट नहीं आता फ्रेंड्स तो फिर भी आप पंचकूला जाना और MDU के जो बच्चे MDU जाना। तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपका नोटिस आज या कल में आ जाएगा और आपका पेपर ऑनलाइन मोड में ही होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लगे रहना, आप लोग यूनिटी मत खोना, आप लोग स्ट्रेंथ मत खोना, आप लोग लगे रहना, आज या कल आपका नोटिस आ जाएगा। और आज अगर आपका आज नोटिस नहीं आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कल भी जाना। और फ्रेंड्स मैं आई होप करता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपसे विश्वास करता हूँ और जो मेरे दिव्यांशु भैया उन पर भी विश्वास रखता हूँ कि उन्होंने इस एग्जामिनेशन मोड को चेंज करवा देंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपका भी यूनिटी अभी तक लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना एंड आप लोग स्ट्रेंथ में रहो। आज या कल आपका नोटिस 100% आ ही जाएगा और आज नहीं आता तो कल भी आप जाओ फ्रेंड्स पंचकुला और MDU में जाओ और अपना एग्जामिनेशन मोड चेंज करवा लो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका चांसेस है 99% की मोड चेंज होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि दोस्तों भी इस न्यूज़ से इस तरह का जो न्यूज़ है फ्रेंड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड तो उनको भी लग सके पता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना एंड थैंक यू फ्रेंड्स।